दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर दोनों को मिक्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेमो है आपके लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज सेट कर रखी है मैंने और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है और यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा कोड है, तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, एक डीएवी ले लेता हूँ, उसका क्लास है मैं अभी बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसी बॉक्स क्लास को मैं विथ है इसकी 100% दे देता हूँ और इसकी जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 100 वर्टिकल हाइट। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, अभी सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं H1 टैग लगा देता हूँ, पहले H1 टैग वहाँ पे लगा देता हूँ मैं टीचिंग वेब। ठीक है, अब सेव करके रिफ्रेश, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और यहाँ पे ले लेता हूँ अलाइन आइटम वो भी सेंटर, ताकि मेरा जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसका जो कलर है, जो H1 टैग हमने लिया है सेंटर में, उसका जो कलर है उसे मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ। उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं अभी वाइट कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो वाइट कलर है वो वाइट में नहीं दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड सेट करवाना है। तो दोनों आप एक ही प्रॉपर्टी में सेट करवा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। पहले आपको जो कलर है वो कलर देना है RGB S है। ठीक है, तो ग्रीन का कोड क्या है, 0,00 में कर देता हूँ तो ये ब्लैक कलर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 255। अब सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड अभी ग्रीन आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके URL में इमेज सेट करवानी है। ठीक है, तो इमेज आपके पास है तो यहाँ पे मैं जाके अपने फोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ पे इमेजेस में मैं इमेज ये ले लेता हूँ S.jpg, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और तो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और इसकी जो बैकग्राउंड साइज है, ठीक है, वो मैं 100% विथ और 100% हाइट देके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आ गई। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर और यहाँ पे इमेज वो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, जब रिफ्रेश करूँगा तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना है बैकग्राउंड। ठीक है, मुझे लगाना है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। क्या प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। इसी प्रॉपर्टी से हम बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज को मिक्स करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीप्लाई। अब सेव करके जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है और ये हो गया। ठीक है, तो ये जो ये प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, वो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर को मिक्स करके देगी। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो नए लॉजिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।